गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन नाउ वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर थ्री वन एंड टू यू कैन इजीली सॉल्व ग्राफ इज़ गिवन देर नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव टू मेक ग्राफ क्वेश्चन इज डाटा इज गिवन क्लास फिफ्थ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन थर्टी फाइव इन क्लास सिक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन ट्वेंटी इंड सेवन नाइंटी फाइव चिल्ड्रन एंड सो ऑन. ना फॉर दिस डाटा फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन हाउ वुड यू चूज अ स्केल अब स्केल चुनने के लिए हमको क्या किन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है तो आवर आंसर इज कीपिंग हाइस्ट वैल्यू इन माइंड वी विल चूज स्केल कीपिंग हाइएस्ट वैल्यू इन माइंड वी विल चूज़ स्केल अब यहाँ पर देखो हाइएस्ट वैल्यू कौन सी है वन थर्टी फाइव अब वन थर्टी फाइव है अब जैसे अपने मन में सोचा कि अपने को वन बॉक्स इजिकल टू पाँच का स्केल लेना है पाँच का स्केल लेंगे तो ये सारे नंबर पाँच से डिविजिबल हैं लेकिन पाँच का स्केल लेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा है ना इसको पाँच से डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबी बड़ा डिजिट आएगा तो हम इसको ट ले लेते हैं वन स्क्वेयर बॉक्स इज इक्वल टू टेन हम जब ग्राफ पेपर बनाते तो ये बॉक्स के अंदर भी जो है इस्मॉलॉल स्मॉल टेन लाइंस होती है तो अगर हमने एक बॉक्स बराबर से टेन ले लिया है, तो अंदर की एक लाइन बराबर से बन हो जाएगा यानी ये one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी वन बॉक्स में टेन लाइन ग्राफ पेपर में आपको दिखेगी तो जब हम वन स्क्वेयर बॉक्स इजिकल टू टेन ले लेंगे वन थर्टी फाइव को टेन से डिवाइड किया यानी थर्टीन यानी हमको थर्टीन से फोर्टीन बॉक्सेस लगेंगे जो कि ईजीली हमारे पेपर में आ जाते हैं तो टेन से ईजी रहता है अगर आपको उसको छोटा बनाना है तो आप इसको ट्वेंटी से भी डिवाइड कर सकते हैं तो हमको वो इसके लेना चाहिए जिससे हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकें मैंने आपको जनरली बता दिया है कि फाइव टेन ट्वेंटी या फिफ्टी या हंड्रेड इस टाइप का हम स्केल लेते हैं वन बॉक्स इक्वल टू इस तरह का हम स्केल लेते हैं तो हमारा आंसर हो गया कीपिंग हाईएस्ट वैल्यू इन माइंड वी विल चूज़ स्केल तो हाईएस्ट वैल्यू इतनी थी उसको ध्यान में रखे हमने हम क्या देखा कि भाई फाइव लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हमने टेन वन स्क्वायर बॉक्स इक्वल टू तो टेन चिल्ड्रन ऐसा हमने स्केल ले लिया तो फर्स्ट का आंसर हो गया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास हेज़ द मैग्जिम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड द मिनिम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन तो यहाँ पर क्लियर हम देख सकते हैं कौन सी क्लास के मैग्म नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन हैं तो फिफ्थ क्लास के मैगजिम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैं वन थर्टी फाइव और मिनिमम चिल्ड्रन किसके पास में हैं टेंथ क्लास के पास में मिनिमम चिल्ड्रेन है टेंथ हैज़ एटी चिल्ड्रेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टेक द रेशो ऑफ फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स टू क्लास एट्थ सिक्स क्लास और एर्ट्थ क्लास के स्टूडेंट का हमको रेशो लेना है तो सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट है वन ट्वेंटी एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं हंड्रेड तो वन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड जीरो जीरो कैंसिल अब टू से कैंसिल किया टू सिक्स जा ट्वेल्व टू फाइव जा टेन तो सिक्स इस टू फाइव इसका रेशो आ गया अब गिवन डाटा से हमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हम ग्राफ पेपर पे, पे पेंसिल से एक्सिस खींच लेंगे यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ टेंथ पहले हम यहाँ क्लास लिख देंगे और फर्स्ट लेंगे फिफ्थ फिफ्थ में कितने हैं वन थर्टी फाइव तो ये हमारा जाएगा देखो वन थर्टी यहाँ तक हो गया और ये एक एक बाग से हमने टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ऐसा करके वन फोर्टी तक के मार्किंग कर दी यहाँ दिखे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये इन्फॉर्मेशन आ गई इधर क्लास की इन्फॉर्मेशन आ गई अब 135 थर्टी तो ये देखो हमारा ये इसके बीच में जाकर ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा 30 और यहाँ 35 और फिर 40 तो ये यहाँ पर और ग्राफ पेपर में इजी हो जाता है गिनना क्योंकि तो उसमें बीच में 10 लाइन दी रहेगी यहाँ से यहाँ तक तो वन टू थ्री फोर फिफ्थ लाइन यहाँ तक गिन ली ये आ गया वन थर्टी फाइव हमारा बार बना दिया इसके तो बाद सेकंड लेंगे हम 120, 120 का तो दिया हुआ देखो ये सीधा मिलाया अपने वन टवेंटी और ये बना दिए अब यहाँ पर देखो ये इक्वल डिस्टेंस रखना रह है यहाँ जैसे हमने एक बॉक्स छोड़ा तो यहाँ भी एक बॉक्स यहाँ भी एक बॉक्स छोड़ना है बीच में इक्वल गैप देना है। इसके बाद में हमको लेना है सेवनथ क्लास में नाइन्टी फाइव यहाँ बार बन के सिक्स लिख दिया फिर सेवंथ क्लास का ये चला हमारा ग्राफ देखो नाइन्टी नाइन्टी के फाइव सेंटर में यहाँ देखिए नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव के बार बन गया यहाँ लिख दिया सेवन एट्थ में कितने हैं हंड्रेड ये हमारा बार जाएगा हंड्रेड तक के ये हंड्रेड और हंड्रेड से बार नीचे तक आ जाए इसी प्रकार से नाइन्थ और टेंथ लाइक वाइज यू हैव टू ड्रा नाइन्थ एंड टेंथ टेंथ एटी एटी वहाँ ग्राफ में तो लाइन भी खींच रही थी तो उससे हमको मिलाना आसान होता नहीं तो स्केल से आप ऐसा मिला सकते कि एट्टी की लाइन कहाँ पर आ रही तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन गया तो so, ये था थर्ड क्वेश्चन नाउ वी विल टेक फोर्थ क्वेश्चन इन फोर्थ क्वेश्चन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन तो बुक में से आप देख लेना डाटा फर्स्ट टर्म में कितने दिए हुए सेकेंड टर्म में कितने दिए हुए फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में जो डाटा हमको दिए हुए हैं वो सिक्सटी सेवन एंड सेवेंटी नाइन फोर्थ क्वेश्चन डाटा इज गिवन लाइक दिस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंट सब्जेक्ट के डाटा हमारे पास में इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में मिले सिक्सटी सेवन सेकेंड टर्म में मिले सेवेंटी हिंदी में मिले मार्क्स सेवेंटी टू एंड सिक्सटी फाइव सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म में मैथ्स में एट्टी एट सेकेंड टर्म में नाइन्टी फाइव एंड 81, 85, 73, 75 सेवनटी थ्री सेवनटी फाइव साइंस और सोशल साइंस बाई यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू प्रॉ प्लॉट ए डबल बारग्राफ तो डबल बारग्राफ में अपन पहले ही इंट्रोडक्शन में समझ चुके कैसे प्लॉट करना है यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईएस्ट नंबर कितना है 95 फाइव इट मीन्स हम 10 का स्केल ले सकते हैं तो यहाँ पर सेम स्केल आपको लिखना है ये वाला वन बॉक्स इजल टू टेन स्केल यहाँ पर टेन से ले कर हंड्रेड तक के मार्किंग कर देना है वन बॉक्स पहले वाले बॉक्स पे लिखोगे टेन फिर सेकेंड बॉक्स पे ट्वेंटी ऐसा करते हुए हंड्रेड तक यहाँ लिखेंगे मार्क्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम और क्लियर देंगे ये सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस पहले हम ग्राफ बनाते जाएंगे उनके नीचे सब्जेक्ट लिखते जाएंगे अब देखो मैंने यहाँ ये बार को सिंपल रखा है तो ये फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है और जिसको मैंने शेडेड कर दिया है वो सेकेंड टर्म को शो कर रहा है तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकंड फर्स लाइक वाइज अब इंग्लिश को देखो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं सिक्सटी सेवन तो ये हमारा बार जो है सिक्सटी सिक्सटी के आगे सेवन लाइन गिन लेना है आपको तो सेवन लाइन पे यह ख़त्म हो गया सिक्सटी लगभग सेवनटी के पास आ जाएगा तो यहाँ पर ये बार ग्राफ ये बन गया ये हो गया फर्स्ट टर्म का अब सेकंड टर्म में कितने मिले इंग्लिश में सेवनटी तो ये देखो ये जाके सेवेंटी पे रुक गया सेवेंटी इसके साथ ही चिपका के ये बन जाएगा अब देखो यहाँ भी यहाँ से जितना गेप लिया उतना ही गेप यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ना है तो ये आपको ध्यान में रखना है जैसे मैंने यहाँ एक बॉक्स छोड़ दिया है और ये दोनों बन गए इसके बाद में फिर एक बॉक्स छोड़ना है अब हिंदी में अब यहाँ ध्यान से देखो ये फर्स्ट टर्म का ग्राफ छोटा है सेकंड टर्म का ग्राफ बड़ा है मतलब सेकंड टर्म में इम्प्रूवमेंट हुआ है हिंदी में देखो फर्स्ट टर्म का ग्राफ बड़ा है सेकंड टर्म का छोटा है फर्स्ट टर्म में कितने नंबर आए सेवेंटी टू ये सत्तर से थोड़ा सेवेंटी से थोड़ा ऊपर सेवेंटी टू ये वाला ग्राफ नीचे जा रहा है क्यों क्योंकि तो मार्क्स मिला है सिक्सटी फाइव ये देखो मिड पॉइंट से यहाँ सेवन सिक्सटी और सेवनटी के मिड पॉइंट से, से अपन ले लेंगे सिक्सटी फाइव ये यह यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पर हिंदी में परफॉर्मेंस कमज़ोर हुआ है बाकी अपन देखें तो देखो यहाँ फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म का ग्राफ ऊँचा है मतलब यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म का ग्राफ ऊँचा है मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म का ग्राफ ऊँचा है मतलब यहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुआ है केवल एक ही जगह हमको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है हिंदी में क्योंकि सेकंड टर्म का ग्राफ़ नीचे तो ये इंग्लिश हिंदी का ग्राफ बन गया इसके बाद में मैथ्स में एटी एट नाइन्टी फाइव और यहाँ पे देखो एट्टी एट नंबर है और नाइन्टी फाइव यहाँ पर नंबरों का अंतर भी ज़्यादा है तो एट्टी एट से हम बना देंगे एट्टी और ये नाइन्टी के लगभग पास में ये एट्टी एट दिन नाइन्टी फाइव सी ए ग्राफ दोनों साथ साथ बनाना है इसी तरह से साइंस एंड सोशल साइंस साइंस और सोशल साइंस के ग्राफ आपको प्लाट करना है जितने भी नंबर दिए वहाँ जाके ग्राफ रुक जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्राफ वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट कौन से इसमें परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रही तो यहाँ देख लो यहाँ सेवेंटी टू सिक्सटी फाइव यहाँ तो कम हो रहा है यहाँ पे तीन मार्क का इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पर ज़्यादा मार्क का इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ फोर मार्क का इम्प्रूवमेंट हो रहा है 88 एट प्लस टू नाइन्टी यहाँ सेवन मार्क नाइन्टी प्लस फाइव सेवन मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ फोर मार्क का इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ टू मार्क्स है यानी सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुआ है मैथ्स में ये ग्राफ भी शो कर रहा है हमको तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैथ्स इज़ द सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट इम्प्रूव मोर फिर सेकेंड क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट इज लियस्ट तो यहाँ पर देखो ये हिंदी ये ग्राफ बड़ा है ये छोटा है मतलब सेकंड टर्म में इम्प्रूवमेंट कम हुआ वो कौन सा सब्जेक्ट था हिंदी थर्ड क्वेश्चन हैज़ द परफॉर्मेंस गाउन डाउन इन एनी सब्जेक्ट ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस कम हुआ है तो अगेन देखो यहाँ सेकेंड टर्म के सबके ग्राफ पूछे मतलब सेकंड टर्म में सब में इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन हिंदी में यहाँ नीचे आ रहा है मतलब हमारा आंसर हो गया हिंदी सो लाइक वाइज यू हैव टू सॉल्व फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन सो फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन इज योर होमवर्क नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी थैंक यू